नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं विकास SF एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के। आप अपने मनपसंद सीट को कैसे बुकिंग करेंगे? बहुत सारे लोगों को मन में ये कमेंट्स मेरे पास कब से आ रहा था, मन में सवाल भी होता होगा कि हम लोग मनपसंद सीट को कैसे बुकिंग कर पाएंगे IRCTC से ऑनलाइन। ठीक है, तो IRCTC में एक ऑप्शन होता है जिसके मदद से आप अपने इच्छा के अनुसार सीट को बुकिंग कर सकते हैं। मनपसंद सीट यानी कि मनपसंद बर्थ को आप बुकिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिलहाल कौन सी ऑप्शन को कहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होती है, उसका क्या नियम कानून है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी कुंठन को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी यूज़फुल वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। वो भी सबसे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले नंबर हम आपको बता दूं कि मैं आप एग्ज़ाम्पल अभी मतलब कि दिखाना भी चाहता हूं प्रूफ के तौर पे कि मैंने जब भी टिकट को बुकिंग किया है तो मुझे मिल चुका है, कभी कभी मिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइड ऊपर का मैं ज़्यादातर सीट को चॉइस करता हूं और किसी को सजेस्ट भी करता हूँ कि साइड ऊपर सबसे अच्छा सीट होता है मेरे हिसाब से, और साइड ऊपर का ही सीट लेना भी चाहिए और मैं लेता भी हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट जर्नी हो चुकी है, मैंने टिकट को बुकिंग किया है। यहाँ पे देखेंगे कि नई दिल्ली से चपला के लिए मैंने टिकट एक बुकिंग किया, यहाँ पे साइड ऊपर को सीट को सेलेक्ट किया, साइड ऊपर मुझे मिल चुका है। अगली ट्रेन को भी मैं दिखा रहा हूँ पुरुषोत्तम में भी मैंने टिकट को बुकिंग किया, यहाँ पे भी साइड ऊपर का ही बर्थ मैंने सेलेक्ट किया, साइड ऊपर बर्थ मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मतलब कि जो भी आपको सीट पसंद हो उस सीट को आप ले सकते हैं। हालांकि 100% आपको गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि आपको मिल जाएगा। तो प्लान में जर्नी पे आपको क्लिक करना होगा और जहाँ से जहाँ तक आपको जानी है वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अपना ज़रूरत के हिसाब से डेट को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं 23 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च ट्रेन पे क्लिक किया है। एग्जांपल के तौर पे मुझे जाना है जबलपुर से वाराणसी 23 तारीख को डेट में। तो यहाँ पे एक ट्रेन है गाड़ी संख्या 0 27 91। ठीक है, तो इसमें मुझे स्लीपर में बुकिंग करनी है। जो भी आपको सीट जो भी मतलब कि आपको बुकिंग करना हो 2S में या स्लीपर AC जो भी आपको बुकिंग करना हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे स्लीपर में बुकिंग करनी है एग्जांपल के तौर पे, तो मैं स्लीपर में कौन सीटें खाली हैं इस पर मैं बुकिंग कर रहा हूँ। आइए एग्री पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। अब यहीं पर आपको समझने वाली बात है, आप अपना नाम डाल दीजिए पैसेंजर का, मान लीजिए मुझे जानी है तो मैं अपना नाम डाल दिया, एज डाल दीजिए, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। और यहीं पे आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया है तो आप इंडिया के ही हैं तो आपको इससे कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब आपको बर्थ प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, सेलेक्ट बर्थ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर में सबसे है नो परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी बर्थ को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी अंदाजे पे आपको मिल जाए सीट वही आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब कि इच्छा नहीं है कोई भी बर्थ को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप नो परफॉर्मेंस में रहने देंगे ऊपर में। नहीं तो आप आपको सीट चाह रहे हैं कि मैं मतलब कि कोई सीट को आप च्वाइस करना चाह रहे हैं कि लोअर बर्थ या मिडिल बर्थ, ऊपर बर्थ या साइड लोअर या साइड ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग नीचे का सीट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लोअर को आप सेलेक्ट कीजिए। बहुत लोग जो लोग मिडिल लेना चाहते हैं बीचे का सीट वो बीचे का सेलेक्ट कीजिए, जो लोग ऊपर का लेना चाह रहे हैं वो ऊपर का सेलेक्ट कर लीजिए, और जो लोग साइड लोअर का लेना चाहते हैं यानी कि दो सीटों को जोड़ करके बनाता है एक सीट, वो साइड लोअर में आता है, उसे आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर वाले साइड ऊपर आता है। ठीक है, खिड़की दो खिड़की के ऊपर जो आता है दो सीट के ऊपर वो साइड ऊपर में आता है। तो हम ज़्यादा सलाह आपको देंगे साइड ऊपर के लिए। ठीक है, क्योंकि साइड ऊपर का सीट में क्या होता है कि आप इसमें सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, किसी से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत लोग नीचे का सीट लेते हैं, तो नीचे का सीट लेना हमारे अनुसार अच्छा नहीं है, हमारे सोच के अनुसार क्यों नहीं अच्छा है उसके बारे में हम आपको नुकसान कितना होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे का सीट में आपको कोई भी व्यक्ति आकर के बैठ जाता है। आपने ट्रेन में अक्सर भी देखा होगा चना बादाम समोसा बेचने वाले सारे लोग नीचे आकर के आप थोड़ा सा बैठ जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, कोई व्यक्ति आएगा बिना टिकट के आएगा, तमाशा दिखाने वाला होगा या वेटिंग वाला आएगा, सारे लोग नीचे ही बैठ जाते हैं। थोड़ा भैया थोड़ा पैर इधर करना है, थोड़ा बैठने दो भैया 2 मिनट 10 मिनट बैठने दो, ऐसा ऐसा करके आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है लोग।
और ऊपर में आप ध्यान, आप ऊपर में ट्रेन में सफ़र करते होंगे, देख रहे होंगे कि ऊपर में कोई भी नहीं बैठता है बंदा चढ़ करके, लेकिन नीचे वाले को बहुत परेशानी होती है। किसी को बैठना है भैया, ऊपर वाले पैसेंजर को भी बैठना है, नीचे वाले पैसेंजर को भी बैठना है, तो आपका नीचे कहीं सीट पे आके बैठेगा वो, आपको सोना है तो परेशानी होगी। इसलिए आप जब भी सीट लें तो ऊपर का सीट लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ज़्यादातर बेटर रहेगा। साइड साइड ऊपर लीजिए या ऊपर का सीट लीजिए, ठीक है। ये सीट आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन साइड ऊपर का सीट मिल जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है हमारे अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि मुझे साइड ऊपर लेनी है, तो साइड ऊपर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे आप क्लिक कीजिए। बस सिंपल सा है, अपना नाम डालिए, एज डालिए, मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए और सीट को अपना सेलेक्ट कर लीजिए प्रेफरेंस में जा करके, और यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, यहाँ पे पेमेंट कीजिए, इंश्योरेंस सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कीजिए, आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे इसका कुछ नियम कानून भी है, तो उसको मैं फ़िलहाल समझा दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने जो सीट को सेलेक्ट किया वो सीट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अगर सीटें खाली रहती है जो आपने सीट सेलेक्ट किया, मान लीजिए कि अभी मैंने साइड ऊपर को सेलेक्ट किया है, अगर वो सीट खाली रहती है, ठीक है, तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो दूसरा कोई सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको वही सीट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि आपने जो सीट सेलेक्ट किया है वो आपको मिलने का चांसेस होता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस कंडीशन में आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस होता है ये सीट। तो अगर आपने सिंगल ट्रेवल, आपको सिंगल आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, अकेले आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, आपके साथ और कोई पैसेंजर नहीं है, और सीटें उस कंडीशन में आपको मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और जो ट्रेन में ज़्यादा सीटें खाली रहती है उस कंडीशन में आपको मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, और चांस कम किस कंडीशन में हो जाता है ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। एक से ज़्यादा पैसेंजर को आप साथ में बुकिंग कर रहे हैं, चार पांच पैसेंजर को, तो चार पांच पैसेंजर को आपने जो सीट सेलेक्ट किया उस तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रेन में उस तरह से जो आपने सेलेक्ट किया सीट को वो सीट खाली ही हो। तो कुछ लोगों को मिल सकता है च्वाइस का सीट और कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकता है, या बाकी को किसी को भी नहीं मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो सीट को आप पसंद किए हैं वो सीट अगर खाली हो तो ही आपको मिलेगा, और एक साथ में पैसेंजर को वो बुकिंग करने से आपको मतलब एक ही जगह ज़्यादातर पैसेंजर को सीट मिलता है, सीरियल से ही मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने चार पैसेंजर को बुकिंग किया, तो एक मुझे चार पैसेंजर को बुकिंग किया तो मुझे एक दो तीन चार ऐसे लाइन से ही मिल जाएगा, ज़्यादातर इस तरह से होता है। तो मतलब कि और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जिस ट्रेन में ज़्यादा मतलब कि कम सीटें हैं, एक दो सीटें हैं, उस कंडीशन में आपको थोड़ा मिलने का चांस कम रहता है, और मिलने का चांस आपको मैं बता ही दिया कि ज़्यादा मतलब कि सीटें, जिस ट्रेन में ज़्यादा सीटें खाली हो या और अकेले आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस दोनों कंडीशन में ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन मैंने कई बार कम ही सी 10 सीटें, 10-5 सीटें जो इस ट्रेन में खाली है, उस ट्रेन में भी मैंने च्वाइस किया सीट और मुझे वो सीट मिल चुका है, ठीक है। तो सभी ट्रेनों के थोड़ा बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें थोड़ा कुछ बैकअप में भी सीट रहता है, बैकग्राउंड में भी उसका, तो यही है। इस तरह से आप अपना टिकट मतलब कि यही मेथड है कि आप अपने मनपसंद सीटों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी को ट्राई करके आप, नहीं तो आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉन परफॉर्मेंस सेलेक्ट करेंगे तो आपको कहाँ सीट मिल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी सीट आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी सीट मिल सकता है, लेकिन आपको चाह रहे हैं कि मुझे, आप एक बार आजमाना चाहते हैं कि मुझे वो साइड ऊपर का सीट मिल जाए या साइड लोअर मिल जाए, कोई भी मतलब सीट मिल जाए, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और टिकट बुकिंग कीजिए, आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि मिल ही जाएगा जो आपने सीट को सेलेक्ट किया है। कई बार मुझे अभी तक मतलब कि एक दो बार मिस करके बाकी लगभग हर बार मुझे मिल ही चुका है जो मैंने सीट को सेलेक्ट किया है। तो यही मेथड है, इसी मेथड के अनुसार आप टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, मनपसंद सीट को आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमें कॉल करके पूछिए, ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें, हेल्प कर सकें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।